नमस्कार दोस्तों, आपको बता दें पीएम किसान 13वीं किस्त के पहले नियमों में बड़ा बदलाव। अब से 4 पैरामीटर की दर पर ही किसानों को मिलेंगे 2000 रुपये। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के किस्तें पाने वाले लाभार्थी किसानों के लिए एक नया अपडेट जारी हुआ है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने नियमों में कुछ बदलाव किए हैं जिन्हें लाभार्थी किसानों को मानना अनिवार्य है। इस मामले में उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव कृषि डॉक्टर देवेंद्र चतुर्वेदी ने सभी जिलाधिकारियों, जिलों के मुख्य विकास अधिकारियों और सभी कृषि उप निदेशकों को निर्देश भी जारी कर दिए हैं। हेल्पलाइन की 31 जनवरी को तक की गई है। अब यदि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी बने रहना चाहते हैं तो ई केवाईसी, बैंक खाते की आधार सीडिंग, लैंड रिकॉर्ड का वेरिफिकेशन जैसे तमाम औपचारिकताओं को 10 दिन के अंदर पूरा करा लें। सरकार ने जारी किए निर्देश। मीडिया रिपोर्टर्स के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इस संबंध में गाइडलाइन जारी कर दी है। अब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने वाले किसानों को इन 4 नियमों का पालन करना होगा। इसी आधार पर निर्धारित किया जाएगा कि किसान के खाते में 13वीं किस्त 2000 रुपये ट्रांसफर किए जाने हैं या नहीं। रिपोर्ट की माने तो यूपी में करीब 1.48 करोड़ किसानों ने ई केवाईसी करवा ली है। 45 लाख किसानों ने भू अलेखों का सत्यापन करवा लिया है। 1.64 करोड़ किसानों ने बैंक खाते की आधार सीडिंग करवा ली है। लेकिन अभी भी बड़ी तादाद में लाभार्थी किसानों ने इनमें से कोई भी काम पूरा नहीं किया है। पीएम किसान की 13वीं किस्त के 4 पैरामीटर। आप भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी हैं तो 31 जनवरी तक इन 4 कामों को पूरा कर लें। इन कामों को पूरा करने के बाद ही आपका नाम 13वीं किस्त पाने वाले किसानों की सूची में शामिल किया जाएगा। भू अलेखों का सत्यापन पीएम किसान के लाभार्थी किसानों के पास 2 हेक्टेयर या उससे कम जमीन ही होनी चाहिए। इसकी जांच के लिए जमीन की कागजों की जांच करवानी होगी। कागजों पर लिखा होना चाहिए कि लाभार्थी किसान ही जमीन का मालिक है। कागजों की जांच के बाद कृषि विभाग के अधिकारी किसान की जमीन का फिजिकल वेरिफिकेशन भी करेंगे। यदि सब कुछ कागजों के मुताबिक रहा तो आपका नाम लिस्ट में जोड़ दिया जाएगा। ई केवाईसी करवाएं। पिछले कुछ महीनों में लाखों लोगों ने गलत तरीके पीएम पैसा उठाया है। इन किसानों को न सिर्फ नोटिस जारी किए गए हैं बल्कि पैसों की वसूली भी की जा रही है। पीएम किसान के 2000 रुपये लेने वाला किसान योग्य है भी या नहीं, इसकी जांच के लिए सरकार ने ई केवाईसी को अनिवार्य कर दिया है। आप चाहें तो pmkisan.gov.in पर जाकर सेल्फ ई केवाईसी कर सकते हैं या फिर ई चित्र में केंद्र की मदद से अपना वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। सरकार की ओर से बार बार किसानों को निर्देश जारी करके बैंक खाते को आधार से लिंक करवाने को कहा जा रहा है। इसमें किसानों की डिटेल सरकार तक पहुंच जाती है और पीएम किसान के साथ साथ दूसरी अनुदान, बीमा, लोन योजनाओं का लाभ लेना आसान हो जाता है। प्रक्रिया को पूरा करने के लिए सरकार सब्सिडी का पैसा भी समय से खाते में आने लग जाता है। इसके लिए अपने बैंक खाते को राष्ट्रीय भुगतान नियम NPCI से भी जोड़ सकते हैं।